कोरोना के खात्मे के लिए सरकार एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रही है। कोरोना टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक एक तरह से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही के चलते अभियानों को पलीता लग रहा है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में देरी को लेकर ग्रामीणों ने आज भी सीएचसी पर हंगामा किया। एमकेएन न्यूज संवाददाता जसवर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर हंगामा कर रहे ग्रामीणों से खास बातचीत की, देखिए एक खास रिपोर्ट। कोरोना टेस्टिंग की रिपोर्ट 24 घंटे में देने का दावा स्वास्थ्य विभाग का है, लेकिन लक्सर पर अभी भी लोगों को 3-3 दिन तक रिपोर्ट नहीं मिल रही है। इसी क्या वजह है ये बात करेंगे। कुछ लोग हैं चक्कर काटते फिर रहे। आपका नाम क्या है? अंकित। क्या वजह आप क्यों चक्कर लगा रहे हैं? सर एक्चुअल में हम यहाँ पे आए थे, हमारे कुछ परिचित हैं यहाँ, उनको उनके साथ में क्या हो रहा है कि इनकी कोरोना की रिपोर्ट कोरोना का टेस्ट 3 दिन पहले, लेकिन इनको अब तक कोरोना की कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। और ऊपर से अस्पताल प्रशासन इनको दर दर भटका रहा है, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा कभी आज और कभी कल, इस तरह से चक्कर कटा रहा है। उसके जो है उससे लोग बहुत परेशान है। परेशान और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? वीर सिंह भाई। आप कब आपने टेस्ट करा था? चार दिन हो गए। रिपोर्ट देने का वादा कब का था? 24 घंटे का। परसों का था। अब तक नहीं दी, क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं, जो उनके साथ में बात कर रहा तो बदतमीज से पेश आते हैं कर्मचारी। आपका नाम? भाई आप कहाँ से आते हैं? 4 दिन से। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर का चक्कर काट रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन से चक्कर लगा रहे। आपको रिपोर्ट नहीं मिली? ऐसे और भी लोग आप देख सकते हैं, मैं आपको खिड़की पर ये लोग लगे हुए हैं, उसकी क्या वजह रही है? अभी एक यहाँ मुला जी आपका नाम क्या है? मुंतजीर। आप क्यों लाइन में लग रहे हैं, क्या वजह रही है? अजी बस बच्चे की रिपोर्ट चाह रही थी और बड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ 2-2 बजे तक इंतजार कर रहे, बस वैसे ही चले जा रही। रिपोर्ट नहीं मिल रही है? रिपोर्ट आप देख सकते हैं। क्या हो गया? आपकी जिम्मेदारी, आपके रिपोर्ट जा रही है, धक्के खा रहे हैं और क्या हो गया? वैक्सीनेशन में लगा दी गई। अजय कुमार कौन है? कारण से मैं खड़ंजा गांव में गया हुआ था, कल भी वहीं था। अजय कुमार सर के साथ था तो जस्ट अभी आया हूँ, अभी रिपोर्ट दे रहे हैं। ये कर्मचारी आ गए और बल्कि सीएससी अधीक्षक भी है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोग यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, तो क्या मतलब ये जो अंदर बैठे हुए हैं कौन थे वो लोग जो बदतमीजी कर रहे हैं? दीदी मुझे संज्ञान में, मैं तो फील्ड से आ रहा हूँ, मुझे कुछ संज्ञान में नहीं। डॉक्टर अजय वर्मा कह रहे हैं कि अभी पूरे मामले की जांच करा देंगे जो भी है, लेकिन रिपोर्ट समय पे मिले लोगों की यही मांग है। वजह ये भी है कि कुछ लोगों को रिपोर्ट के बिना ना तो उनके बच्चों की स्कूल में एंट्री हो पा रही है, और जो बाहर जाने वाले लोग हैं उन्हें भी 24 घंटे यानी कि 72 घंटे की रिपोर्ट कोरोना की, यानी जो नेगेटिव पॉजिटिव जो रिपोर्ट है वो मिलना जरूरी है। तो इसलिए लोग आज यहाँ इकट्ठे होकर के रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। आने वाले दिनों में व्यवस्था सुधारी जाएगी, ये स्वास्थ्य विभाग का दावा है। जसवीर सिंह, एमकेएन न्यूज़।